नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2020 का दूसरा चरण 22 जनवरी को संपन्न हो गया। तीसरे चरण का मतदान 29 जनवरी को है। इस बीच आप जानिए एक ऐसी महिला सरपंच के बारे में जो सरपंच चुनाव 2020 में एक बार फिर निर्विरोध चुनी गई। नाम है भीखी देवी। ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में गुड़ा मालानी विधायक हेमा राम चौधरी की पत्नी है। भीखी देवी ने सरपंच बनने का अनूठा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। राजस्थान में संभवतः ये पहला मामला है जब पति 6 बार विधायक और पत्नी 6 बार सरपंच चुनी गई हो, वो भी निर्विरोध। तो कोई पैसे ऐसे आया तो पूरे गांव में लगा दिया। गांव वाली औरतों के साथ रहती हूँ ना। हाँ। गांव वाले मैंने बहुत परमेज करते। हाँ। अंगलाई। हाँ। पूरी अंगी में जनता हाथ है। हाँ। ठीक है ना। मैं कह 5 साल हो गया, 25 साल हो गया जब मैं मना कही हो। हाँ। तो ये गाड़ियों ले जानी आ गया। हाँ। अभी मैं मना करे हो जन के हमें वीरेंद्र गाँव में भी बनाओ। हाँ। माड़ी बनाई है। हाँ। तो वह भाई क्या लोगों ने कोई मना तो नहीं कर सकती हूँ ना। बता दें कि बाड़मेर जिले के बायतू पंचायत समिति की बायतू भीमजी ग्राम पंचायत के लोग बीते 5 चुनावों में विधायक हेमाराम चौधरी की पत्नी भीखी देवी को सरपंच बनाया है। इस बार भीमजी ग्राम पंचायत से वीरेंद्र नगर को अलग ग्राम पंचायत बना दिया गया। नई ग्राम पंचायत का नाम विधायक हेमाराम चौधरी के दिवंगत बेटे वीरेंद्र के नाम पर रखा गया है। राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2020 में वीरेंद्र की मां भीखी देवी यहां से पहली बार निर्विरोध सरपंच गई हैं। ऐसे में भीखी देवी ने बीते 6 चुनावों में निर्विरोध चुने जाने का रिकॉर्ड भी बना लिया है कि इन लोगों ने 5 बार निर्विरोध चुना और यह अब की बार 6ठी बार चुन रहे हैं। तो गाँव में ज्यादा से ज्यादा विकास हुआ है। आज तक इतना पूरे राजस्थान में विकास नहीं हुआ, इतना बायतू भीमजी में हुआ और इस बार भीमजी से वीरेंद्र नगर अलग ग्राम पंचायत बनी है। तो इसमें लोगों ने अलग भी निर्विरोध किया, 6ठी बार चुना है। तो हर गांव सड़क पानी लाइट से जुड़े हुए हैं और इसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है लोगों को। बता दें कि भीखी देवी के पति हेमाराम चौधरी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में 6ठी बार विधायक चुने गए। इनके परिवार का क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। भीखी देवी को निर्विरोध चुने जाने में सबसे खास बात यह है कि पत्नी पति का व्यवहार और गांव के विकास का करवाए गए कार्यों की वजह से भीखी देवी के सामने कोई चुनाव लड़ता ही नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।